है मैं आपके लिए फॉरेस्ट का मतलब यानी कि जंगल का एक ब्लॉक लाया हूँ, जहाँ पे मतलब कि बहुत डेंजरस जंगल है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो इधर मतलब कि बहुत ऐसी पत्तियां है, ऐसे मतलब कि कुछ ऐसे तत्व है जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, जानवर के लिए भी हानिकारक हो सकते हैं। तो हम इस जंगल में हम सर्वाइव करेंगे, तो आप प्लीज वॉच करते रहिए। दोपहर के टाइम पे हम आ रहे हैं तो भी देखिए आप धूप इधर लगी नहीं रही है क्योंकि जंगल इतना गहरा है, तो मतलब की रोशनी आती भी नहीं है। सो गाइस हम इधर आ गए, तो अब देखिए इसका निशान है, तो मतलब कि ये नील गए इधर आसपास ही होंगे, आसपास ही होंगे। और आगे जाने की कोशिश करते हैं, तो चलो पहले के मुकाबले जंगल बहुत ज्यादा गहरा हो गया, मतलब कि ये भी काटे का पेड़ ज्यादा है। तो कमन चलते आइए। अच्छा उस तरफ है? नहीं 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 इस तरफ भी है रास्ता, ये रहा आधे रास्ते गांव की तरफ भी जाते हैं, ये एक रास्ता है वो। अब अपन हम जो चल रहे थे वो जंगल था, पर ये अब मेन जंगल आ गया, हम मेन जंगल में पहुंच चुके। मतलब ये देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अब देखिए जंगल इस तरफ नीचे, हम बीच में नहीं, इस तरफ अब ऊपर है, इस तरफ नीचे नहीं इस तरफ ऊपर है। तो देख लीजिए अब देखिए इस तरफ ऊपर जा नहीं इस तरफ जा रहा, तो मतलब कि इधर देख लीजिए जंगल में चलना इधर पत्तियों से वो है ना उसकी वाले उनसे बचना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। आगे और जाने की कोशिश करते तो हालांकि लोग भी आते हैं, मतलब कि वो उनकी
ऐसे कराने आते हैं तो फॉरेस्ट के पास उनके घर होते हैं। एक बार साइकिल खा लेते हैं, अभी ये पूछ रहा बहुत है ना, ये जंगल में पानी पानी तो लाए साथ में, और लास्ट में 20-20 खाएंगे। तो एक काम करते हैं, वो अभी सोचते हैं आगे जाके करेंगे, क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है। आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, क्योंकि हम वीडियो मतलब पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुना है ये कोई मेंढक आता है जहरीला, वो मेंढक का साथ है। अब क्या पता, पता नहीं है, पर कभी ये स्वर्ग में लगने मत देना। तो चलिए हाँ, द टच में मतलब कि अभी तो बारिश बहुत कम होगी, इसलिए सूख गया, बाकी इधर पानी का टाइम है, तुम तो जा नहीं सकते ऐसा एरिया। देखिए आगे जाइए, मैं बोल रहा ना आपको, वो तालाब है, देखिए ना जी, इसके दिल गाय का पैर के निशान है, मतलब इधर आगे तालाब है। अभी देखो ये जंगल का पूरा एक जो बीज आ चुका हूँ, या तो कोई भी आपको रास्ता नहीं मिलेगा, इतना ये है जंगल, कोई रास्ता नहीं, ज़्यादा जाने का भी रास्ता नहीं मिलेगा। पानी चला गया और ये तो चप्पल ले पूछ कर दो, मतलब कि देख लीजिए बहुत ले, अब देख लीजिए इधर, मतलब कि बहुत ही छाया, क्योंकि जंगल बहुत गहरा है, इधर सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत ही आ रही है, देख लीजिए मैं इधर खड़ा हूँ तो थोड़ी बहुत क्या है, यहाँ पे तो सूरज का रोशन आ ही रहा है, इस तरफ तो भी डेंजरस है, इस तरफ एकदम खाई है नीचे। ऑल राइट, तो इस तरफ देख लीजिए, इधर खाई है आगे, ये जैसे मैं आसानक से डर गया। ये क्या चप्पल का, आगे जाते हैं पर इधर देख लीजिए पूरा एरिया, इधर आगे खाई है तो आगे आइए प्लीज। देखिए इस तरह, मतलब की बहुत ब्यूटीफुल है, इधर पेड़ों का ये लगना ने साइड में पानी निकलना, पानी हमको दिख रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, तो थोड़ा हम आगे जाके आपको बताने की कोशिश करते हैं इस तरफ है। हाँ तो आप अंदर घुस के थोड़ा शूट कर लीजिए, यहाँ पे तो लगता नहीं है जो कभी भी इसमें, देख लीजिए मतलब ऊपर से सीन लीजिए आप, ये सब ये ऊपर का सीन है। ऑल राइट गाइस, तो ये देख लीजिए, मतलब कि ये पेड़ कितने मोटे मोटे है, और ये ऊपर कितना डरावना लग रहा है, इसको ऊपर चढ़ने का कोशिश करूँ क्या,
ना ना का कोशिश करो, ये देख लीजिए इधर, मतलब मैंने बोला था ये पानी आगे जा रहा था, ये देख लीजिए पानी को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ये जगह इतनी गर्म नहीं है। तो इस तरफ से लीजिए, तो ये देख लीजिए, देखना पाता कुछ जाएगा। तो मुझे ये कुछ लकड़ी मिली है क्योंकि साथ में कोई जानवर हो तो अब क्योंकि आगे हम जितना जा रहे इतना जंगल डरावना हो रहा है, जितना जा रहा जंगल इतना डरावना हो रहा है। तो मुझे भी लग रहा है कुछ हाथ में चाहिए होगा क्योंकि पानी पे जी रहा है। हाँ, हाथ में तो ये तो बहुत बड़ा चीज है ना, अगर कोई जानवर आ गया तो वो तुमको मारने का जरूरत नहीं है, ये इसको छोड़ के मैं भाग जाऊंगा ऐसे ही लगता है। अब मेरे को क्या लगता है, हम आप इधर से फॉलो नहीं कर सकते, हमको क्या दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी। नहीं, आपका हाथ का ये जो हथियार है ना, ये देख के तो मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि आप लग रहा है तुमको आगे ही रहना चाहिए आगे आप इतना खतरनाक हो, अगर कोई गाय भैंस हो उसको एक महीना के अंदर पूरा जंगली भैंस है, तो थोड़ा आगे चलते उसको देखने की कोशिश करते। हिरणों का ये हिरण मतलब कि उनका मनपसंद खाना है, ये देखिए ये देखिए ये हिरण हिरण का वो है ना, बीट है, ये हिरण है ना, हिरण का बीट है ये। अभी सर हिरण तो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ बारह सिंगा है। आगे तो और भी जगह डेंजरस ही हो रही है। चलते अब हम इधर जंगल में आए थे, तो अब जंगल तो आगे है ही, अब उधर आगे जाने की जगह नहीं है क्योंकि बहुत ही पेड़ पौधे कांटे वगैरह ने पत्थर से बना हुआ मतलब की वो दीवार वो काफी उधर है। तो मैं हम यहाँ पे यूँ सोच के आए थे कि कुछ जानवर हमको मिले, हिरण वगैरह ऐसे, तो वो तो मिले नहीं हमको, बकरी बकरी मिले और वो जंगली भैंस बोला था, वो जंगली भैंस हम शूट करने के वैसे ही भाग गए। तो भागे अब जा नहीं सकते क्योंकि इधर जगह बहुत डेंजरस हो गई है और इधर आगे मतलब कि समय भी बीत रहा है, तो आगे अंधेरा में अंधेरा ही है कि लोग भी नहीं, हम तीन लोग भी है और अगर मैं और भी जाता और भी आगे जाने की मेरी इच्छा है अभी भी, लेकिन अब हम जा नहीं सकते क्योंकि आगे बहुत कांटे वगैरह है। तो देख लीजिए इधर से मैं कहीं जा भी नहीं सकता, मेरे पीछे देख लीजिए क्योंकि जंगल मैंने बोला था बहुत डेंजरस जगह है। तो गाइस तो मेरे चैनल तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए मेरे चैनल को।